दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता कैमरे के सामने अपनी ही पार्टी के महिला नेत्री के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आए तो वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बीजेपी महिला नेता के साथ हो रही इस छेड़छाड़ का वीडियो शेयर कर मोदी सरकार के बेटी बचाओ के नारे पर तंज किया है। इस वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक भाजपा नेता अपनी साथी महिला नेता को गलत ढंग से हाथ पकड़ते और साड़ी खींचते दिख रहा है। महिला नेता साथी नेता के इस व्यवहार से काफी असहज भी नजर आ रही हैं। लेकिन इस दुर्व्यवहार पर ध्यान कैमरे के अलावा शायद ही किसी ने दिया हो। महिला नेता के साथ हुई इस छेड़छाड़ का वीडियो कांग्रेस नेता अलका लांबा ने शेयर कर भाजपा की कथनी और करनी का अंतर बताते हुए जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने लिखा, तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्षा डॉक्टर शशिकला पुष्पा को कैमरे के सामने पार्टी नेता शारीरिक छेड़छाड़ करते साफ देखा जा सकता है। आखिर में बेटी बचाओ वाला नारा भी सुनते जाइएगा। अपने देश में नारी नहीं नारा बड़ी चीज है, स्मृति ईरानी जवाब देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि छेड़छाड़ करने वाले ये महाशय तमिलनाडु के भाजपा राज्य सचिव ओम बाल गणपति हैं। इस वायरल वीडियो के साथ ही एक अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश भाजपा के गृह मंत्री बाबूलाल गौर एक महिला कार्यकर्ता को गलत ढंग से छूते देखे जा सकते हैं। दोस्तों, भाजपा नेताओं द्वारा महिला नेता और कार्यकर्ता के साथ शारीरिक छेड़छाड़ के इन वायरल वीडियोज ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। अब लोग भाजपा नेताओं के चाल चरित्र की जमकर लताड़ लगा रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, संघी मानसिकता जो कभी भी महिलाओं को इज्जत नहीं करने देती और ना ही उनको पुरुषों के समांतर अस्तित्व को स्वीकारने लगता है। ये सड़े हुए दिमाग के लोग महिला को उपभोग की वस्तु से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन सोचने वाली बात है कि अपने परिवार की बहन बेटियों को किस तरह से रखते होंगे। कैमरे के सामने पार्टी नेता का शारीरिक छेड़छाड़, आखिर में बेटी बचाओ वाला नारा भी सुनते जाइएगा। निकिता लिखती हैं, यह लंपट है। एक ऐसा वीडियो गुजरात से भी आया था। एक बीजेपी नेता शराब पीकर महिला विधायक के सामने खराब वर्तन कर रहा था, जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुई। आज पूरा देश देख रहा है वह भाजपा जो चरित्रवान होने का वादा करती थी, उस पार्टी के अंदर जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कहती है, महिला पदाधिकारी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। फिलहाल दोस्तों, आप भाजपा नेताओं के ऐसे चाल चरित्र पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।